इससे पहले कि मैं आपको पेज स्पीड चेकलिस्ट के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करें, पहले एक सिंपल सा स्टैट सुन लें। मैं और आप अगर एज अ एंड यूज़र किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो अगर वो वेबसाइट 2 सेकंड से ज़्यादा लेती है लोड होने में, ऑन एवरेज 2 सेकंड से ज़्यादा लेती है ओपन होने में, तो मैं और आप उस वेबसाइट को छोड़ के कहीं आगे चले जाएंगे, आई मीन किसी दूसरी वेबसाइट पे चले जाएंगे। अब ये जो 2 सेकंड की मैंने फिगर निकाला है ना, ये आई मीन अपनी गट फीलिंग के बेसिस के ऊपर नहीं निकाला, यानी इट्स नॉट बाय मी, इट इज़ द डाटा फ्रॉम द मिलियंस ऑफ क्लिक्स, बिलियंस ऑफ क्लिक्स। यानी आसान लफ्ज़ों में कि अगर एक वेबसाइट लोड होने में ज़्यादा टाइम लगा रही है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। रीज़न आसान लफ्ज़ों में कि जो वेबसाइट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यूज़र को फोकस रखना। जितना यूज़र का इंगेजमेंट टाइम आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा चांस है कि यूज़र, अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो उतना ही ज़्यादा चांस ज़्यादा हो जाता है कि यूज़र आपकी वेबसाइट से कोई चीज़ परचेज भी करेगा, या आपकी सेल जो है वो ज़्यादा होने का चांस है, या लीड जनरेट हो सकती है, एंड सो ऑन। मतलब जो पेज स्पीड है वो 2 चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है, या तो ये वो टाइम है जो आपकी वेब पेज कंप्लीटली लोड होने में ले रहा है, इट हैज़ टू बी लेस देन 2 सेकंड, नंबर 1। या अगर थोड़ा टेक्निकली देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा bbc.com और एंटर किया वेब ब्राउजर पे, तो मेरे एंटर करने के बाद सर्वर जो है, फॉर एग्जांपल जैम सर्वर है, जैम सर्वर ने मेरी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड किया, मेरी रिक्वेस्ट और सर्वर के रिस्पॉन्स के दौरान का जो टाइम है, या इसको पेज स्पीड बोलते हैं, या ये उस स्पीड को बोलते हैं या उस ड्यूरेशन को बोलते हैं जिसके बाद वेब पेज पूरे का पूरा लोड हो जाता है। इन 2 चीज़ों के अलावा तीसरी चीज़ कोई नहीं होती, और ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि अगर आपका जो पेज लोडिंग टाइम है या जो पेज की स्पीड है वो जितनी कम होगी, यानी आसान लफ्ज़ों में कि जितना तेज़ी से वो लोड होगा उतना ज़्यादा चांस है कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे रिटेन करेगा, उसकी इंगेजमेंट ज़्यादा होगी। एक तो होता है यूज़र को अपनी वेबसाइट तक लेके आना, वो तो SEO हो गया। अब जब वेबसाइट पे वो यूज़र आ गया है, अगला चैलेंज ये है कि उसको इंगेज रखना अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने करवानी तो सेल है। जो आपका KPI है या जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो यूज़र को वेबसाइट तक लेके आना एक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन एंड ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने अपनी सेल को ज़्यादा करवाना है। तो अगर हम अब आगे चलें तो पेज रैंक जो होता है या जो पेज स्पीड होती है उसका डायरेक्ट लिंक होता है पेज रैंक के साथ। रीज़न, गूगल कभी भी उस वेबसाइट को प्रमोट नहीं करता जिसके ज़रिए यूज़र का इंटरेक्शन टाइम या यूज़र वेबसाइट को छोड़ के जा रहा है। रीज़न, अगर आप सोचें गूगल का बिजनेस किससे ड्राइव कर रहा है, यूज़र के क्लिक से। यूज़र के क्लिक किन वेबसाइट पे ज़्यादा होते हैं, जो जल्दी लोड होती हैं। तो अगर एक वेबसाइट जल्दी लोड नहीं हो रही तो आपकी वेबसाइट का तो बिजनेस लॉस हो ही रहा है, एट द एंड ऑफ द डे गूगल का भी बिजनेस लॉस हो रहा है, क्योंकि गूगल तो चल ही यूज़र क्लिक्स के ऊपर रहा है। तो उन्होंने इसको आप यूँ समझें कि एक मेजरमेंट का पार्ट बना दिया। यानी अगर हम ये कहें कि ये एक वेबसाइट SEO अनेबल्ड है या गुड SEO अनेबल्ड है या बैड SEO अनेबल्ड है, उसके अंदर एक फैक्टर पेज स्पीड का भी आ जाता है, यानी पेज लोड स्पीड का भी आ जाता है, एंड इट इज़ अ वेरी की फैक्टर। यानी जब गूगल ने आपके पेज को रैंक करना है तो उसके अंदर मल्टीपल फैक्टर हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। उसके अंदर एक फैक्टर हाउ फास्ट योर वेबसाइट इज़, यानी जो पेज स्पीड है वो उसकी कैसी है वेबसाइट की, वो एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है टूअर्ड द पेज रैंक बाय गूगल।